हेलो, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ क्रिएट टुगेदर। और आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल में, एक ऐसा स्कूल जिसके साथ लोगों का 30 सालों का भरोसा जुड़ा है। जी हाँ, अगर हम गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बारे में बात करें तो 1989 में इसे स्टार्ट किया गया था और धीरे धीरे करते हुए अपने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की वजह से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने विंग्स को स्प्रेड कर पाया है। और सबसे ख़ास बात अगर मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बारे में बात करूं तो वो ये है कि एक कम्प्लीट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फीस इसका बहुत कम है और इतने कम फीस में ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ के तमाम एक्टिविटीज़ आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। पब्लिक स्कूल में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, क्लासरूम्स को देखकर थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा शायद आप कर चुके हैं और आप शायद सोच रहे हैं कि पीछे बैग्स है पर स्टूडेंट्स क्यों नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे बिल्कुल नज़दीक है, तो सारे बच्चे एक साथ प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है ये भी हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आइए। एनुअल स्पोर्ट्स डे दिखाने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ स्कूल में गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लाइब्रेरी एरिया है और लाइब्रेरी एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी एरिया से बहुत सारी यादें शायद आपकी भी जुड़ी होंगी और गुरु नानक पब्लिक स्कूल के में आके बहुत सारी यादें हैं जो मेरी भी ताज़ा हो गई। पहले हम भी इसी तरह से लाइब्रेरी में जाया करते थे और अपने लाइब्रेरियन से हम ज़िद किया करते थे कि हमें ये बुक पढ़ना है, हमें वो बुक पढ़ना है। तो वहीं पर इसी तरह से आपके बच्चे भी गुरु नानक पब्लिक स्कूल के लाइब्रेरी में आकर अपनी पसंदीदा बुक्स पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इसका खास ख्याल रखा गया है कि जितने भी बुक्स यहाँ पर रखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बुक्स भी हो ताकि बच्चों को उसे देखकर मज़ा आए और उसको पढ़कर मज़ा आए। एंड एट द सेम टाइम सारे बुक्स बहुत ज़्यादा एजुकेशनल बुक्स हैं, नॉलेजेबल बुक्स हैं, तो ताकि वो खेलते खेलते काफ़ी कुछ सीख भी जाए। तो आइए एक बार लाइब्रेरी पूरा हम आपको दिखाते हैं। तो
हमने आपको गुरु नानक पब्लिक स्कूल की तमाम झलकियाँ दिखाई। हमने यहाँ के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी एमिनिटीज़ बच्चों को दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें दिखाई। और एक चीज़ मैं अंत में आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि सिख धर्म संस्कृत गुरु नानक साहिब के सिखाए हुए टीचिंग्स को दिल में और मन में लिए आगे बढ़ते हैं और वही चीज़ें वो अपने बच्चों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे तमाम गुरु नानक साहिब के टीचिंग्स बच्चों को सिखाए जाते हैं कि हर बच्चा यहाँ पर इक्वल है। एट द सेम टाइम जिनके पास वो सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं उनके साथ तो सारी चीज़ों को बांट कर खाना है। साथ ही साथ हमारे अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ है उन्हें और निखारना है और दूसरों को भी सिखाना है। ऐसे तमाम टीचिंग बच्चों को सिखाए जाते हैं इनके टीचर्स, इनके लीडर्स के द्वारा। तो फिलहाल अगर आपको भी लगता है कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल आपके बच्चों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, एट द सेम टाइम इन तमाम टीचिंग्स को भी सीख सकता है, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट गुरु नानक पब्लिक स्कूल वंस। और यहाँ पर आकर आप टीचर्स के साथ एक बार काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को एडमिशन आप करवा सकते हैं 2020-2021 के लिए। तो फिलहाल अभी सारी बातों के साथ मुझे आप दीजिए इजाज़त। गुड मॉर्निंग एवरीवन, I am the principal of Guru Nanak Public School. This is a non-profitable charitable school. यहाँ पे A1 क्लास की फैसिलिटी मिल रही है आप लोग को। जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है इट्स वेरी हाई एंड अपग्रेडेड। दिस स्कूल हैज स्टार्टेड लास्ट ईयर बट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग इज इमेंसली ग्रेट। यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। फॉर दैट We prefer two things. First is individual attention for every child. And second is practical learning. I will request everyone to visit our school once to see our infrastructure, the decor of the school, to know about the curriculum and pedagogy of the school. And if you come to our school, you'll come to know that the curriculum we have implemented in our school is such that the children will learn in very easy way. They will learn in a playful method without any pressure. And for this reason, the school students want to come to school every day. The books we have selected are a high quality one. The atmosphere here is very friendly. The ambience is very friendly and the teachers are also very good and highly qualified. We all only appoint ladies teachers for the safe and security of the child. The safety is also one important measure of the any education and we follow it very nicely. The hygiene is also maintained here and we give a holistic development to every children. Thank you.